Good morning, students. Today we will learn lesson 17, reproduction in living beings. ठीक है, reproduction मतलब होता है फिर से बनना. ठीक है, reproduction दो वर्ड से मिलकर बना है, re and production. ठीक है, तो re मतलब होता है फिर से और production मतलब होता है बनना या बनाना. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, फिर से बनना. ठीक है, तो लेसन का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स. ठीक है, लिविंग बींग्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स. ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, हम इस लेसन में उसके बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, तो जितने लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब यंग वंस उनसे पैदा होते हैं ना. जैसे ये कैट है, तो कैट क्या देगी, कैट का बेबी कैसा होगा, कैट जैसा होगा. ह्यूमन का बेबी कैसा होगा, ह्यूमन जैसा होगा. ठीक है, और क्या, डॉग का बेबी डॉग जैसा होता है. ठीक है, काऊ का बेबी काऊ जैसा होगा, हॉर्स का बेबी हॉर्स जैसा होगा, बर्ड्स के बेबी बर्ड होते हैं. ठीक है, और प्लांट भी देखो, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी देखो, प्लांट से जो सीड, प्लांट के फ्रूट से जो सीड मिलता है हमको, हम उस सीड को वापस से मिट्टी में लगा देते हैं, तो फिर से क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है ना. तो हमने अगर मैंगो का सीड सो किया है, मैंगो का सीड लगाया, तो उससे मैंगो का ट्री ही बनेगा. ठीक है, अगर हमने एप्पल का सीड सो किया है, तो उससे एप्पल का ट्री बनेगा. ठीक है, तो इस तरह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने यंग वंस को बनाते हैं. ठीक है, बर्थ देते हैं. दे रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस यंग वंस टू रिप्लेस देयर ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म्स. ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो पुराने हो गए हैं, ठीक है, या जो अब ख़त्म होने वाले हैं, अब जो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहते, तो उनको रिप्लेस करते हैं, या किससे, नए यंग वन से. ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे सभी को पता है, ठीक है, जो लिविंग बींग्स है वो इमॉर्टल नहीं, इमॉर्टल मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि कभी भी नहीं मरेंगे. ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, एज हो जाती है, एज होने के बाद में फिर डेथ हो जाती है ना, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, किसी भी चीज़ की बात करें. ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही वो क्या रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं. जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद में फिर डेथ हो जाती है. ठीक है, तो सोचो अगर यंग वंस नहीं आएंगे, ठीक है, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे स्पीशीज़, यानी जो ह्यूमन है, ठीक है, वो धीरे धीरे मर जाएंगे, तो उनका नंबर ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो ज़ीरो पे आ जाएंगे. ठीक है, उसी तरह एनिमल भी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उनका नंबर भी एक एक करके कम होता जाएगा, और वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, मतलब ठीक है, यानी अपना बोलना चाहिए क्या, अपनी स्पीशीज़ बचाए रखने के लिए ही जो लिविंग बींग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मतलब एक अगर कोई ख़त्म भी हो जाता है, एक की डेथ भी हो जाती है, एक नंबर अगर कम भी हो गया, तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसलिए वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर बेबीज डिफरेंटली. अब देखो, सभी लिविंग बींग्स एक जैसे होते हैं क्या, एनिमल्स अलग होते हैं, ह्यूमन अलग होते हैं, बर्ड्स अलग होते हैं. ठीक है, तो उसी तरह उनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, ठीक है, या जो वो बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब इंसान से तो बिल्ली का बच्चा नहीं आएगा, बिल्ली का बच्चा किससे आएगा, बिल्ली से ही आएगा. ठीक है, इंसानों के बेबी बिल्ली जैसे तो नहीं दिखेंगे, वो इंसानों जैसे ही दिखेंगे. ठीक है, तो जिस तरह हम अलग हैं, उसी तरह हमारा रिप्रोडक्शन का तरीका भी अलग अलग होता है, और उसी तरह हम अलग अलग बेबीज़ भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल्स की, वाई डू एनिमल रिप्रोड्यूस. ठीक है, एनिमल क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल क्यों अपने यंग वन को, अपने बेबी को बर्थ देते हैं. ग्रोइंग अप एंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर. ठीक है, तो बड़े होना और बड़े होने के बाद में अपने यंग वंस को बर्थ करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, जो कंटिन्यू चलता रहता है. ठीक है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर यंग वंस आते हैं. ठीक है, फिर वो बड़े होते हैं, जैसे एनिमल में भी, जैसे बिल्ली,
बिल्ली से क्या आया, किटन आया, किटन बड़ा हुआ, वो कैट बन गया, फिर उसके बेबी आए, फिर ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। When a new being is born, it grows up to become an adult. ठीक है, तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो बड़ा होके क्या बन जाता है, एडल्ट बनता है। Then it gives birth to its young one. उसके बाद फिर से उससे क्या आते हैं, उसके यंग वन आते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस यंग वन सो दैट देयर ओन काइंड डज नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ क्यों देते हैं, ताकि वो इस अर्थ में रह सकें। ठीक है, मतलब अर्थ से धीरे धीरे वो गायब ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल कैट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग वन यंग वंस देर विल बी नो कैट्स लेफ्ट ऑन द अर्थ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, जैसे कैट अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देगी कैट, अगर बिल्ली अगर बच्चा नहीं देगी तो क्या होगा, धीरे धीरे एक एक करके बिल्लियाँ ख़त्म होती जाएंगी और एक समय ऐसा होगा कि पूरी अर्थ में एक भी बिल्ली नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसी को बचाने के लिए हर लिविंग बींग क्या करता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूसेस देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस इन मेनली टू वेव्स, बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो बर्ड्स, जैसे बर्ड्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से फिर बर्ड निकलता है। ठीक है, और दूसरा बर्थ देते हैं। ठीक है, अपने यंग वंस को, जैसे कैट, डॉग। ठीक है, एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं वो कौन से हैं, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स विच कंटेन इमेच्योर बेबीज। ठीक है, कुछ एनिमल जो अंडे देते हैं उसमें क्या होते हैं, इमेच्योर बेबी होते हैं। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, गिव वार्म थ्रू द एग अंटिल द बेबी इनसाइड गेट्स फुली मेच्योर। ठीक है, उसके बाद जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एग को गर्माहट देते हैं। ठीक है, और तब तक देते हैं जब तक अंडे के अंदर वो बेबी अच्छे से मैच्योर यानी बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बेबी कम्स आउट ऑफ द एग बाय ब्रेकिंग द शेल्स ऑफ द एग्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो अंदर से एग की शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट ले एग। ठीक है, तो अंडे कौन कौन देते हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये सब क्या देते हैं, बर्ड्स देते हैं, एग देते हैं। ठीक है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स और ओवी पेरस एनिमल। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एग लाइंग और ओवी पेरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, नाउ बर्ड्स, वी ऑलरेडी नो दैट बर्ड विल नेस्ट टू ले देयर एग्स। ठीक है, हमको पता है, लास्ट लेसन में हमने जब शेल्टर पढ़ा था तो पढ़ा था कि बर्ड्स अंडे देते हैं, सॉरी, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट में ही अंडे देते हैं। ठीक है, द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड ब्रिटल कवरिंग कॉल्ड शेल। ठीक है, तो जितने भी अंडे होते हैं उनके बाहर क्या होती है, एक वाइट कलर की कवरिंग होती है ना, जो हार्ड होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। तो जो पेरेंट बर्ड होते हैं यानी जिसके अंडे होते हैं, वो बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्माहट देते हैं। ठीक है, विद इन द हार्ड शेल इज अ वाइट प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन एंड येलो प्रोटीन कॉल्ड द योक। ठीक है, तो जो एग होता है, एग के ऊपर जो वाइट कलर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और जो येलो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, योक। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखो, ये देखो, ये एग शेल है। ठीक है, ये योक है। ठीक है, द एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग यंग बर्ड्स एंड द योक इज इट्स फूड। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है, जो यंग बर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ये जो योक होता है, येलो पोर्शन, वो फूड होता है उसका। ठीक है, किसका, जो अंदर उसके यंग वन है। द यंग बर्ड कैन नॉट डेवलप द इफ़ द एग इज नॉट केप्ट वार्म। ठीक है, तो अगर अंडे को गर्माहट नहीं मिलेगी तो उसमें जो बेबी है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। आफ्टर सम टाइम द एग हैच एंड द यंग वंस केम आउट। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि जो एग है वो हैच होता है यानी टूट जाता है, और उसके अंदर से जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, मोस्ट बेबीज, ये देखो एग का स्ट्रक्चर, ये एग शेल है बाहर, ये कॉइल है देखो, ये योक है, ये एग मेम्ब्रेन है, ये एल्ब्यूमिन है,
ठीक है, ये एयर सैक है यानी हवा रहती है यहाँ पे। ठीक है, नाउ मोस्ट बेबीज़ हैव नो फेदर ऑन देयर बॉडीज़ व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग। ठीक है, तो एग से जब बच्चे बाहर आते हैं तो मोस्टली में क्या होता है, उनके बाल नहीं होते, ठीक है, उनकी बॉडी में फेदर नहीं होते। द पेरेंट बर्ड फीड देम एंड टेक केयर ऑफ देम टिल दे ग्रो अप एंड आर रेडी टू फ्लाई। ठीक है, तो जो उनके पेरेंट बर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब तक बेबी छोटा होता है उसको फीड करते हैं, यानी खाना ला के खिलाते हैं, ठीक है, और तब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और उड़ने लायक नहीं हो जाते। ठीक है, प्लैटिपस इज अ मैमल विच ले एग्स। ठीक है, प्लैटिपस एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। द मदर प्लैटिपस फीड्स द यंग वंस विद हर मिल्क फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो जो मदर प्लैटिपस होती है वो अपना मिल्क पिलाती है, ठीक है, अपने बच्चों को। अब देखो बर्ड का साइकिल, सबसे पहले क्या होता है, बर्ड्स अंडे देते हैं, ठीक है, फिर उसको जो पेरेंट बर्ड है वो वॉर्म देते हैं उसके ऊपर बैठ के, फिर हैच हो जाता है, ठीक है, फिर उस छोटे छोटे जो होते हैं तब तक फिर उनको क्या करते हैं, फीड करते हैं पेरेंट्स, फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होके वे खुद फिर वो एग देने लगते हैं। ठीक है, तो ये था बर्ड साइकिल। नाउ इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज एंड ग्रासहॉपर्स ले एग्स। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे तितलियाँ, कॉकरोच, ठीक है, मक्खियाँ, ये सब अंडे देते हैं। द एग्स ऑफ कॉकरोचेज एंड ग्रासहॉपर्स हैच इन टू बेबीज कॉल्ड निम्स। ठीक है, तो जो कॉकरोच और ग्रासहॉपर के जो बेबीज निकलते हैं अंडे में से, उनको क्या बोलते हैं, निम्फ। ठीक है, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड रिजेंबल्स देयर प्रेजेंट पेरेंट्स। तो इनकी साइज़ छोटी होती है और ये अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, जैसे देखो कॉकरोच का ये निम्फ है, ये कॉकरोच बन जाता है। ठीक है, हाउएवर दे डू नॉट हैव विंग्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, दे कीप चेंजिंग देयर अपेरेंस बाय शेडिंग द आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडीज एंड ग्रेजुअली डेवलपिंग इन टू एडल्ट। ठीक है, तो शुरू शुरू में उनके पंख नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके पंख आ जाते हैं, उनकी बॉडी में कलर आ जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द आउटर बॉडी कवरिंग टू गिव वे अ न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड मोल्टिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी जो स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अपने आप बाहर छोड़ देते हैं, उसकी जगह फिर नई स्किन आती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। ठीक है, आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स द निम्फ डेवलप इनटू एडल्ट। और इस तरह बार बार मोल्टिंग होने के बाद जो निम्फ है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडल्ट बन जाता है। ठीक है, द एग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज हैच इनटू स्मॉल वर्म्स कॉल्ड लार्वा। अब जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज होती हैं उनके अंडे, ठीक है, मच्योर होके क्या बनते हैं, लार्वा। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर एंड द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं और जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको मैगोट बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई देखा होगा आपने। ठीक है, बटरफ्लाई क्या करती है, अंडे देती है तो उसमें से कैटरपिलर निकलता है, मतलब छोटा सा कीड़ा जैसा निकलता है। ठीक है, उसके विंग्स नहीं होते, जब यही कैटरपिलर मैच्योर हो जाता है तो फिर इसके पंख आ जाते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इस समय उसको बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको फीड करना पड़ता है, यानी जो खाना खाता है वो पत्तियाँ, फूल, ठीक है, ये सब उसको देना पड़ता है। जब तक प्रॉपर फूड नहीं मिलता है तब तक कोई भी यंग वन अच्छे से मैच्योर नहीं होता। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई द कैटरपिलर फीड्स ऑन ग्रीन लीव्स एंड ग्रोज इन लेंथ एंड वेट। ठीक है, तो बटरफ्लाई क्या करती है, सॉरी, जो कैटरपिलर होते हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं, ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियाँ खाते हैं, और हरी पत्तियाँ खा के ही वो ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ कैसे होती है, उनकी लेंथ में, मतलब उनकी साइज़ बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन इट कैन नॉट ईट एनी मोर इट कवर्स इट सेल्फ इन अ केस कॉल्ड कुकून। ठीक है, तो देखो जब एग से क्या निकलता है, एग मैच्योर हुआ तो कैटरपिलर बना, मतलब कीड़े जैसा निकलता है। ठीक है, फिर उस कीड़े को फीड करना पड़ता है, वो कीड़ा क्या खाता है,
ग्रीन लीव्स खाता है, ठीक है, बस खाता जाता है खाता जाता है खाता जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसका पेट इतना फुल हो जाता है कि फिर वो एक भी बाइट अंदर नहीं ले पाता, ठीक है, मतलब एकदम फुल हो जाता है। तब उस समय वो क्या करता है, अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, ठीक है, अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जब वो अपने आप को कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं कुकून, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड प्यूपा। और बटरफ्लाई की ये जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा, मतलब ऊपर की कवरिंग को हम कुकून बोलते हैं, और ये जो बटरफ्लाई जिसके ऊपर कुकून आ गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपा, ठीक है। इनसाइड द कुकून द बॉडी पार्ट्स ऑफ कैटरपिलर अंडरगो रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब कुकून के अंदर क्या होता है, कैटरपिलर तो कुकून के अंदर चला गया, ठीक है, अब वो इतना सारा खाना खाया है तो खाना खाने से क्या होता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे उसकी बॉडी में आने लगते हैं, और ये सब कहाँ होता है, कुकून के अंदर ही होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब कुकून के अंदर कैटरपिलर की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, कैटरपिलर जब ग्रो करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस कैसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जब कैटरपिलर कुकून के अंदर ग्रो करता है, ठीक है, एंड इट चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और उसके बाद ही वो एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द कुकून स्प्लिट्स ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट, ठीक है। उसके बाद जब बटरफ्लाई अच्छे से मैच्योर हो जाती है कुकून के अंदर, तो कुकून टूट जाता है और बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ जाती है, ठीक है। आफ्टर कमिंग आउट द बटरफ्लाई रेस्ट फॉर सम टाइम एज इट्स विंग्स आर सॉफ्ट, इट पम्प्स ब्लड इनटू द विंग्स एंड देन फ्लाइज अवे, ठीक है। तो जब वो कुकून से बाहर आती है तो उस समय वो आराम करती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। क्यों आराम करती है, क्योंकि अभी अभी उसने ग्रो किया है, तो उसके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करती है, जब वो खाना खाती है तो उसके विंग्स में ब्लड पम्प होने लगता है, ठीक है। विंग्स में ब्लड पम्प होता है तो फिर धीरे धीरे उसके विंग्स स्ट्रांग बन जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उड़ती है, ठीक है। तो ये था बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। नाउ फिश, फिश ले मैनी एग्स एट अ सेफ प्लेस इन वाटर, ठीक है। तो मछली भी एक साथ बहुत सारे अंडे देती है, दे जनरली ले एग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। और मोस्टली ये अंडे कब देती है, रेनी सीजन में, ठीक है। द यंग वन ऑफ द फिश हैचेस फ्रॉम द एग एंड इज कॉल्ड एज फ्राई, ठीक है। तो जब एग से एग हैच होता है, ठीक है, तो एग से जो निकलते हैं बेबीज उनको हम क्या कहते हैं, फ्राई, ठीक है, फिश फ्राई। जो मैच्योर होगी वो फिश, और जो छोटे बेबीज होंगे वो फ्राई, तो दोनों मिलके क्या बन गया, फिश फ्राई, ठीक है। द बेबी वेल इज बॉर्न विद हेयर बट इट लूजेज इट्स हेयर इन अ फ्यू डे टाइम, मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स वेल आर विदाउट हेयर, ठीक है। तो जो बेबी वेल होती है, जब बेबी वेल होती है, ठीक है, जब नई नई बेबी वेल होती है उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये हेयर जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो ये हेयर भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। तो एक मैच्योर जो वेल होती है उनकी बॉडी में हेयर नहीं होते, ठीक है। नाउ फ्रॉग, फ्रॉग्स ऑल्सो ले नंबर ऑफ एग्ज इन वाटर एट अ सेफ प्लेस, ठीक है। तो मछली की तरह, फिश की तरह फ्रॉग भी एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं। The young one of the frog that hatches from the eggs is called tadpole, ठीक है। तो frog के अंडे में से जो बेबी निकलते हैं हैच होने के बाद में, उनको हम क्या कहते हैं, tadpole। फिश के बेबी को क्या कहते हैं, फ्राई, ठीक है, और frog के बेबी को बोलेंगे tadpole। It looks more like a fish than a frog, ठीक है। तो शुरू शुरू में जो मेढक का बेबी होता है, ठीक है, जब वो अंडे से निकला होता है तो वो फिश की तरह दिखता है, फ्रॉग की तरह नहीं दिखता, ठीक है। इट हैज़ अ टेल एंड नो लेग्स एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, ठीक है, मतलब क्या होते हैं, उसकी पूंछ होती है, उसके कोई पैर नहीं होते, और ये भी गिल्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है, आफ्टर लिविंग इन द वाटर फॉर अ फ्यू वीक्स एंड ईटिंग प्लांट्स एंड एल्गाई, इट ग्रेजुअली चेंजेस इंटू अ यंग एंड देन इंटू अ एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम में
ये देखो ये टैडपोल है, मछली जैसा दिख रहा है। फिर कुछ दिन तक ये पानी में ही रहते हैं, ठीक है, पत्तियाँ खाएंगे, अपना खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे ये फूड इनटेक करते हैं, इनमें ग्रोथ होने लगती है और इस तरह धीरे से इनके पैर निकल आते हैं, फिर यह यंग फ्रॉग बनता है, फिर यंग से फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। नाउ रेप्टाइल्स,